तो गाइस स्पेस है आप लोग के सामने ऑल न्यू मारुति सुजुकी की एक्सेल 6 एंड ऑल न्यू मारुति सुजुकी की ब्रेजा। अगर इनमें आप कंफ्यूज हैं कि कौन सी गाड़ी आपको परचेज करनी चाहिए तो आज की वीडियो में वो कंफ्यूजन आपकी दूर होने वाली है। तो जो ये एक्सेल 6 है इसका अल्फा ऑटोमेटिक ड्यूअल टोन उसका जो ऑन रोड प्राइस पड़ता है गुड़गांव हरियाणा में वो है 16,79,000 रुपीज, यानी कि 16,80,000 रुपये आप उसको बोल सकते हैं। ये प्राइस जो है अलग जगह पर अलग वेरी कर सकते हैं। और जो ब्रेजा का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट ZXI प्लस ड्यूअल टोन ऑटोमेटिक उसका जो प्राइस पड़ता है वो पड़ता है 16,30,000 रुपये। ये 50,000 रुपये जो है ये गाड़ी महंगी पड़ती है। तो इस 50,000 रुपये में आप लोगों को क्या क्या चीज़ें इसके अंदर एक्स्ट्रा मिल जाती है तो प्राइस भाई देख लो। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV गाड़ी है पेट्रोल इंजन के साथ में, तो भी जो इसका प्राइस है इतना ज़्यादा गया हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा कि आपको एक्सेल 6 में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं और जो ये ब्रेजा है इसमें आप लोग को क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सबसे पहले भाई इनकी की दिखाता हूँ मैं किस तरह की मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में बिल्कुल सेम ही की अवेलेबल होती है। इसमें लॉक और अनलॉक का ही स्विच जो है अवेलेबल होता है। जैसे आप गाड़ी को लॉक करोगे तो जो ORVM है फोल्ड हो जाएंगे, बट जैसे आप गाड़ी को अनलॉक करोगे तो जो इसके ORVMs हैं ऑटो ओपन नहीं होंगे। जैसे आप गाड़ी का इग्निशन ऑन करोगे ना तो जो इनके ORVMs हैं ऑटो ओपन हो जाएंगे। सिर्फ की में डिफरेंस दिखाया जाए कि कौन सा आता है तो देखो इसमें पीछे से ब्लू सी थीम दे रखी है और इसमें पीछे से जो है आप लोग को ब्लैक थीम अवेलेबल होती है। अब इनकी फ्रंट प्रोफाइल की बात की जाए दोनों ही गाड़ियों में आप लोग को LED हेडलाइट्स मिल जाती हैं, बट इसमें क्या है प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स दे रखी है लो बीम एंड हाई बीम। LED इंडिकेटर्स भी जो है इसमें मिल जाते हैं और LED ही फॉग लाइट अवेलेबल होती है। और आप लोग को इसमें क्या है आगे की तरफ भी कैमरा जो है अवेलेबल हो जाता है। और जो ये एक्सेल 6 है भाई कम मत लगाओ, इसमें भी जो LED हेडलाइट्स मिलती है लो बीम एंड हाई बीम, DRLs भी जो है इसके अंदर मिल जाते हैं, इसके इंडिकेटर्स जो है हैलोजन बल्ब के साथ मिलते हैं, बट इसकी फॉग लाइट्स जो है आपको LED में ही अवेलेबल होती है। दोनों ही गाड़ियों में आप लोग को आगे भी जो है कैमरा अवेलेबल हो जाता है। अब इन गाड़ियों की डायमेंशंस की बात की जाए तो जो एक्सेल 6 की लेंथ है वो आप लोग को ज़्यादा मिलती है, बट जो ब्रेजा की विड्थ है वो आप लोग को इसके अंदर ज़्यादा मिलती है, और जो हाइट है वो आप लोग को एक्सेल 6 की ज़्यादा मिलती है। इन गाड़ियों में क्या है 360 डिग्री कैमरा मिल जाता है आगे की तरफ और दोनों ORVM के नीचे जो है कैमरा मिल जाता है। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है और रिट्रैक्टेबल है दोनों फंक्शन के साथ है। LED इंडिकेटर्स भी जो इनके ऊपर अवेलेबल हैं, बट जो इसका LED इंडिकेटर है वो काफ़ी तगड़ा सा इसमें लगने वाला है। रिक्वेस्ट सेंसर जो है ड्राइवर साइड पैसेंजर साइड एज वेल एज इनकी टेल गेट में भी मिल जाता है गाड़ी को लॉक एंड अनलॉक करने के लिए। और जो इनके डोर हैंडल्स हैं वो आप लोग को क्रोम में मिलते हैं एक्सेल 6 में, बट जो ब्रेजा है इसमें बॉडी कलर्ड ही मिलते हैं। जैसे आप ये सिल्वर फिनिश देख रहे हो ना, ये पर्टिकुलर हिस्सा जो देख रहे हो ये इसके अंदर एसेसरीज लगी हुई है, ये गाड़ी के साथ में नहीं आती है। जो ये एक्सेल 6 है इसमें आप लोग को मिल जाते हैं टिंटेड ग्लास मिल जाते हैं, मेटल रूफ रेल्स मिल जाती है, बट ना इसके अंदर आप लोग को सनरूफ नहीं मिलती है भाई। जो ये ब्रेजा है इसके अंदर आप लोग को सनरूफ मिल जाती है, साइज़ भले ही छोटा हो बट यूँ है कंपनी ने फाइनली भाई सनरूफ तो निकाली दी। और शार्क फिन का एंटीना जो है दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल हो जाता है। दोनों ही गाड़ियों में क्या भाई मेटल फिनिश के साथ में जो है रूफ रेल्स अवेलेबल हो जाती है। अभी इनके टायर सेक्शन की बात की जाए तो जो एक्सेल 6 है इसके अंदर आप लोग को मिल जाते हैं MRF टायर 195/60R 16 इंच के, और जो ये ब्रेजा है इसके अंदर मिल जाते हैं 215/60R 16 इंच के टायर मिलते हैं। जो टायर की चौड़ाई है वो आप लोग को मारुति सुजुकी की ब्रेजा में कई हद तक ज़्यादा मिलती है। और जो ये एक्सेल 6 है इसके अंदर मिल जाता है आप लोग को 45 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। इंजन दोनों ही गाड़ियों में सेम है बट इसके अंदर 45 लीटर की दी गई है। जो ब्रेजा है इसके अंदर मिल जाती है आपको 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। LED टेल लाइट्स दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है। बैक प्रोफाइल जाहिर सी बात है अपनी सस्ती रेंज रोवर की आप लोग को ज़्यादा अच्छी लगने वाली है, पूरी रेंज रोवर वाली सी बैक प्रोफाइल दे रखे काफ़ी मस्त सी लगेगी। इसके अंदर डिफोगर वाइपर हाई माउंट स्टॉप लैंप स्पॉइलर पार्किंग सेंसर्स कैमरे सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है, बट जो कैमरा इसका दिया गया ना वो एडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ में नहीं मिलता, वो सिंपल ही आता है। 328 लीटर का गाड़ी के अंदर बूट स्पेस दिया गया है। पार्शियल ट्रे भी गाड़ी में मिल जाती है। 60-40 स्प्लिट सीटें मिलती है। हेलोजन बल्ब के साथ में इस साइड में आप लोग को बूट लैंप भी जो है प्रोवाइड हो जाता है। और जो स्पेयर व्हील है बिल्कुल सेम सेक्शन का मिलता है 215/60R 16 इंच का, बट वो स्टील रिम ही अवेलेबल होता है।
LED टेल लाइट और उसके अंदर स्मार्ट हाइब्रिड का सिस्टम मिल जाता है। इसके अंदर भी देखोगे डिफोकर वाइपर दोनों चीज़ें मिल जाती है, स्मार्ट हाइब्रिड भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है, पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, कैमरा भी जो है गाड़ी में अवेलेबल हो जाता है, स्पॉइलर भी मिल जाता है। तो भाई मिलने के मामले में ये सारी चीज़ें इन दोनों ही गाड़ियों में आप लोग को बिल्कुल सेम ही मिलती है। बट इसके अंदर एक चीज़ दिखाता हूँ अभी, अबे खुल जाए यार। इसके अंदर आप लोग को फ़ायदा क्या मिल जाता है, एक तो सिक्स सीटर ये गाड़ी मिल जाती है, और ऊपर से फ़ायदा क्या है, अगर आप इसको फोर सीटर में यूज़ करना चाहते हैं तो जो इस गाड़ी का बूट स्पेस है वो आप लोग को काफ़ी मैसिव मिल जाता है। देखो कितना तगड़ा से इसके अंदर बूट स्पेस हो गया, और तीनों रो अप होने के बाद यूँ है भाई, उससे तो कम ही बूट स्पेस है बट यूँ है थोड़ा सा प्रैक्टिकल से, अगर छः जने भी इसमें बैठ के जाते हैं ना तो भी यूँ है अपने थोड़ा सा सामान जो है इसके यहाँ पे बूट में प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे और भी अपना जो बूट स्पेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसको रिमूव कर दो, घर निकाल के अपने निकाल के इसको घर रख दो तो जो आपका बूट स्पेस है और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसमें ना कोई भी बूट लैंप प्रोवाइड नहीं होता है, और जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है वो इसमें नीचे की तरफ में अवेलेबल होती है। अब इन गाड़ी के इंटीरियर्स में चलते हैं और बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें इनके अंदर आप लोग को मिल जाती हैं। तो इसके डोर पैड में देखोगे तो ड्राइवर साइड विंडो है, ऑटो अप एंड डाउन फंक्शन के साथ में आप लोगों को मिल जाती है, नीचे की तरफ मिल जाते हैं स्पीकर की प्लेसमेंट, ऊपर ट्विटर की प्लेसमेंट, फैब्रिक का यूज़ है, और डोर हैंडल्स जो हैं आप लोग कुछ इस तरह के अवेलेबल होते हैं। ORVM के एडजस्टमेंट के यहाँ पे दे रखे हैं ये गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, ये इसकी एडजस्टमेंट के लिए, HUD में जो दिखता है उसके लिए, HUD को ऊपर करने के लिए, इल्यूमिनेशन के लिए, ट्रैक्शन कंट्रोल का, कैमरा के लिए, ऑटो इंजन का, एंड ये आप लोग को लाइट लेवलिंग के लिए, फ्यूल लिड खोलने के लिए, और जो है इसकी बोनट को खोलने के लिए। ये थे भाई इसके अंदर सारे स्विचेस, सनरूफ भी भाई गाड़ी के अंदर आप लोगों को अवेलेबल हो जाती है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ, ये देखो गाड़ी स्टार्ट की, जो इसका HUD है वो भाई ऊपर आ गई है, और HUD का आप ऑफ करना चाहते हैं ना, बंद करना चाहते हैं, देखो इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे ना ये अपने आप बंद हो जाएगी, और जैसे आप गाड़ी को ऑफ करेंगे तो भी जो इसकी HUD है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन के साथ में आप लोगों को मिल जाता है, पैडल शिफ्टर भी जो है गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं, इस साइड म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल हैं, ये क्रूज कंट्रोल है, ऑटो वाइपर इस गाड़ी में नहीं मिलते हैं बट ऑटो हेडलैम्प्स गाड़ी मिल जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर आप लोग को दोनों चीज़ें एनालॉग में दी गई है, बीच में आप लोग को MID मिल जाती है जिसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपके यहाँ इधर से कंट्रोल होगी। ये देखो ये सारी चीज़ें इसके अंदर शो करता है, नई टच स्क्रीन डिस्प्ले इसके अंदर है जो कि आपकी वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कार प्ले सपोर्ट करती है भाई। इसका रिव्यू भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन भी मैंने डाल रखा है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, सिंगल जोन ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल बलिनो वाला ही दे रखा है बिल्कुल सेम। वायरलेस चार्जिंग जो है गाड़ी में मिल जाती है, और यहाँ पर मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट और USB जो आपकी म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट होगी। गियर नॉब देखने में कुछ इस तरह का मिलता है जिसमें आप लोग को शिफ्ट लॉक मिल जाता है भाई, बहुत सही दे रखा शिफ्ट लॉक इसके अंदर। दो ग्लास होल्डर है, आर्मरेस्ट आप लोग को देख लो कुछ इतना साइज का मिलता है, ये साइड में कटिंग कर दी शायद पैसेंजर वाले के लिए दिया ही नहीं, और स्लाइडिंग मिलता है, बाकी है ड्राइव करते वक्त आप आराम से इसके ऊपर हाथ वगैरह रख सकते हैं। इंटीरियर भाई कंप्लीटली चेंज है, यहाँ पे कॉफी से कलर के दे रखा है, फिट एंड फिनिश आप लोग को पता ही है कि भाई काफ़ी अच्छी इसके अंदर में अवेलेबल हो जाती है। ग्लव बॉक्स कूल्ड मिलता है इसके अंदर, पहले क्या था यहाँ पे भी ग्लव बॉक्स आता था वो अब इसके अंदर नहीं मिलता है। जैसे आप देखोगे ना भाई जो गाड़ी के अंदर से विजिबिलिटी है वो आप लोग को काफ़ी अच्छी आ जाती है, पूरा एक ऊपर वाली सी पोजीशन आती है, ORVM वगैरह से ठीक हुई है, सीट पूरी ऊपर करने के बाद ना ऐसे लगता है कि भाई आप एक बहुत बड़ी बड़ी सी गाड़ी चला रहे हो, तो चलाने में एक नंबर का मजा आएगा। अंडर थाई स्पोर्ट वगैरह ठीक मिल जाती है, लेग रूम भी सही मिल जाता है, और डेड पेडल भी जो है गाड़ी में आप लोग को प्रोवाइड हो जाता है, बट लेदर की अपोल्स्ट्री नहीं मिलती इसके अंदर, फैब्रिक की ही जो है इसके आपको सीट कवर्स मिलती हैं। सेकंड रो में आप लोग क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं, जो फर्स्ट रो की सीट थी ड्राइवर साइड वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट थी, तो उसके अंदर नी रूम देखो, लेग रूम देखो, तीन बंदे ही हैं इस गाड़ी में बैठ सकते हैं, बट इतना कंफर्टेबल वाला सीन नहीं है कि भाई बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग को हुक भी मिल जाता है, पीछे आप लोग को एयर वेंट्स मिल जाते हैं, दो फास्ट चार्जिंग के लिए सी टाइप सॉकेट्स भी मिल जाते हैं, IRVM जो है इसके ऑटो में मिलते हैं, ऑटो डे नाइट, और आपको सनग्लास होल्डर मिल जाता है, हैलोजन बल्ब के साथ में इसमें रीडिंग लैंप्स दिए गए हैं, सिर्फ आगे की तरफ मिलती है, और पीछे की रूफ थोड़ी स्कूप आउट कर रखी है। दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसके अंदर मिल जाते हैं, आर्मरेस्ट मिल जाता है दो ग्लास होल्डर के साथ में, आइसोफिक्स सीट्स मिल जाती हैं, जो सीट है ना भाई बिल्कुल फ्लैट सी दे रखी है, कोई बकेट फिटिंग्स इसके अंदर नहीं दे रखी है, बीच का हम भी थोड़ा उठा हुआ है, जो बीच वाला बंदा बैठेगा
उसको भैया ऐसे सच इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और पीछे से देखने में कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का व्यू। तो अब इस XL 6 के टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में इंटीरियर में दिखा देता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें आप लोग को मिल जाती है। इस साइड से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे चारों पावर विंडो के स्विचेस दे रखे हैं, थोड़ा सा वुड फिनिश का भी इसमें यूज़ देखने को मिल जाएगा। और जो ये पर्टिकुलर वेरिएंट है इसमें आप लोग को लैदराइट की अपहोल्स्ट्री मिलेगी, और जो हाइट एडजस्टेबल सीट है ड्राइवर साइड की वो भी इसके अंदर अवेलेबल हो जाती है। और इस साइड मिलता है आप लोग को इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच, आइडल इंजन ऑन एंड ऑफ का, 360 डिग्री कैमरा के लिए ESP एंड लाइट लेवलिंग के लिए कंट्रोल जो है इसके अंदर मिल जाता है। और जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील दिया गया है इसमें लेदर अपहोल्स्ट्री के साथ मिलता है, और ये फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील आता है जो कि देखने में बहुत बढ़िया लगता है। इस साइड में म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल दे रखे हैं, इस साइड में क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, और जो गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील है टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों फंक्शन के साथ में अवेलेबल हो जाता है। यहाँ पे फोन पिक करने के लिए, फोन कट करने के लिए। और अच्छी बात क्या है, अब आप लोग को इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में पेडल शिफ्टर भी मिल जाते हैं। तो भाई ये इस गाड़ी के अंदर जो है मेजर अपडेट आप लोग बोल सकते हो इस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और मैनुअल ट्रांसमिशन में तो जाहिर सी बात है यार आएंगे क्यों जो ये पेडल शिफ्टर वगैरह सारी चीजें। और जो गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो एनालॉग में दिया गया है, टैकोमीटर स्पीडोमीटर दोनों चीजें एनालॉग में है। और जो कलरफुल MID है इसकी वो आप लोग को मतलब इतनी मतलब ज्यादा इन्फॉर्मेशन शो नहीं करता है, बेसिक्स इन्फॉर्मेशन शो करता है। और जैसे अब एक चीज देखोगे ना, 360 डिग्री कैमरा इसके अंदर लगा हुआ है, थोड़ा चालू होने में थोड़ा टाइम से लग रहा है, पता नहीं किस लिए लग रहा है, मैनुअल ट्रांसमिशन मैंने बनाया था उसमें भी टाइम से लग रहा है। और जैसे पूरे चालू होने के बाद में देखो आपको ये पूरी XL 6 बनी दिखाएगा, आसपास की पूरी सराउंडिंग दिखाएगा। बाकी गाड़ी ब्लू कलर की है, इसमें वाइट कलर की शो कर रहा था ये, और वॉल्यूम भाई यहाँ से डाउन हो जाती है। और TPMS भी जो है ना इसके अंदर वो इसके म्यूजिक सिस्टम में शो करेगा। एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी भी जो है इसके अंदर मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या है, वुड फिनिश का भी यूज़ देखने को मिल जाएगा, सिल्वर फिनिश दे रखी है। बेसिकली है तो प्लास्टिक ही, गाड़ी में ना हर एक जगह पे हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। इंटीरियर्स देखोगे आर्टिका का या फिर XL 6 का ऑलमोस्ट सेम से ही है, बट जैसे इसके अंदर ब्लैक ब्लैक सी थीम दे रखी है ना गाड़ी में, तो इस वजह से क्या है भाई ये गाड़ी आप लोग को ज़्यादा प्रीमियम सी लगती है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, और सिर्फ इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट आएगा ना जो इसका अल्फा प्लस, उसी में ही आप लोग को जो है ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड दोनों जो है वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाएंगी, सिर्फ कूलिंग फंक्शन के साथ आती है। 12 वोल्ट का सॉकेट दिया हुआ है, और इस साइड मिल जाता है इसमें USB का। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का जो गियर नोब आएगा कुछ इस तरह का आएगा। और अच्छी चीज़ क्या है, अब इसके अंदर ना पहले क्या रहता था, चलो पहले से बताता हूँ, पहले इसके अंदर 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ आता था, बट अभी इसके अंदर कर दिया है 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर के साथ। तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर नोब आपने देख लिया था, शिफ्ट लॉक फंक्शन के साथ आता है। और गाड़ी की देखने में कुछ इस तरह की मिलती है, लॉक अनलॉक का ही स्विच मिलता है, या पीछे पियानो ब्लैक फिनिश का से यूज़ दे रखा है। दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं, और जैसे आप लोग देखोगे कि यहाँ पे ना कूलिंग फंक्शन के साथ ग्लास होल्डर मिलते हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर जो है मैनेज कर लेगा। आर्म रेस्ट गाड़ी का बहुत ज़्यादा छोटा सा दे रखा है, पता नहीं सिर्फ ड्राइवर के लिए दे रखा है। और अंदर का साइज़ भी देखोगे ना तो वो भी बहुत छोटा सा है। IRVM मैनुअल में मिल जाते हैं, हैलोजन के साथ रीडिंग लैंप दे रखी है, और यहाँ पे सनग्लास होल्डर भी जो है अवेलेबल हो जाता है। और जो इसका ग्लव बॉक्स है वो भी इसके अंदर मतलब ठीक ठाक साइज के अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा बड़ा सा इसके अंदर में नहीं मिलता है। इस गाड़ी के अंदर कंफर्ट की बात की जाए तो देखो इसके अंदर हाइट एडजस्टेबल सीट दे रखी है ना, तो पूरा ऊपर से पोजिशन करके भाई काफ़ी तगड़ा सा व्यू आता है, साइड विंडो वगैरह से एक नंबर का व्यू आता है, ORVM से बिल्कुल ठीक व्यू आ जाता है। और जैसे सीट पूरी ऊपर होने के बाद क्या रहेगा, जो डैशबोर्ड है, जो ये साइड पैनल सारा दिया हुआ है, इसके पोजीशन नीचे से हो जाती है, तो विजिबिलिटी भाई गाड़ी में बहुत अच्छी सी है, पूरी कमांडिंग सी पोजीशन रहती है आप जैसे बैठ के चलाओगे तो। और थोड़ा सा भाई आप गाड़ी में लेंथ का मतलब इशू आएगा भी नहीं भी आएगा, स्टार्टिंग लगा लो थोड़ा सा इशू आएगा, बाकी फिर अब 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर मिलने लग गया, तो बैक में ऐसे जितने को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी टाइम के साथ साथ ना आप बिल्कुल एकदम सही हो जाओगे इस गाड़ी में। और पेडल शिफ्टर भी दे रखे हैं, यहाँ पे अपना लेग रूम वगैरह बिल्कुल ठीक दे रखा है। तो जैसे इसका जो मैनुअल ट्रांसमिशन है ना, वहाँ पे भी जो लेग रूम है बिल्कुल ठीक सा मिल जाता है, वहाँ पे भी डेड पेडल जो है प्रोवाइड हो जाता है। अंडर थाई स्पोर्ट वगैरह, सीटों की चौड़ाई भाई सब कुछ एक नंबर की इसके अंदर मिल जाती है। अभी गाड़ी के सेकंड रो में आप लोग को कंफर्ट चेक कराता हूँ कि कैसा क्या इसके अंदर प्रोवाइड होता है। तो जैसे इसके डोर्स देखोगे ना, काफ़ी ज़्यादा वाइड दे रखे हैं, और जैसे खुलते भी है ना तो भी अच्छा वाइड से पूरा मतलब अच्छा रास्ता से घेर लेते हैं। और जो विंडो वाला एरिया वो भी अच्छा बड़ा से दे रखे हैं, इस वजह से क्या है, जैसे जो पीछे बंदा बैठता है ना उसको ये रहता है कि भाई पूरा अच्छा मतलब क्लोस्ट्रोफोबिया सा फील नहीं होता, पूरा खुला से इसके अंदर से फीलिंग आती है। और जो XL 6 आती है सिर्फ कैप्टन टाइप सीट के साथ ही आती है,
सिर्फ दो ही सीट मिलती है, मतलब तो पीछे दो ही बंदे बैठ सकते हैं। 6 फुट के बंदे के हिसाब से ड्राइवर साइड सीट एडजस्ट है, तो इसके अंदर नी रूम लेग रूम देखो यार काफ़ी अच्छा सा मिल जाता है, और मतलब पूरा अच्छा पैर स्ट्रेच कर सकते हो। जैसे आप चाहते हो ना कम्फर्टेबल कार में चाहता हूँ, तो भाई इसके जो ये कैप्टन टाइप सीट्स हैं ना बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल सी दे रखी हैं। और ये डोर बंद होने के बाद क्या रहेगा, जो आपका हाथ है प्रॉपरली इसके डोर पैड पर आराम से रखा जाएगा। यहाँ पे ऊपर एयर वेंट्स भी दे रखे हैं, जिनका कंट्रोल मतलब फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हो, तो सीधी मुंह पे हवा लगती है, तो एक नंबर का भाई, पूरी गर्मियों में भी कूलिंग सी बनी रहेगी। क्लोस्ट्रोफोबिया तो भाई गाड़ी के अंदर फील नहीं होने वाला है, मज़ा आएगा गाड़ी में। कहीं गाड़ी में आप बैठ के जाओगे, कहीं लंबे जाओगे, तो एक नंबर का मज़ा आने वाला है। और यहाँ पीछे भी जो है रीडिंग लैंप्स आप लोगों को मिल जाती हैं हैलोजन बल्ब के साथ में। इसके थर्ड रो में एक्सेस करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो आप इसकी जो ये वाली सीट है भाई इधर से इसको आगे करके थोड़ा सा रेक्लाइनिंग एंगल करके आप यहाँ से एंटर कर सकते हो, या फिर क्या रहेगा ऑप्शन, आप इसकी बीच में से भी जा सकते हैं। और जो इस थर्ड रो की सीट है ना, इनका भी जो है आप रेक्लाइनिंग एंगल एडजस्ट कर सकते हो। देखो जो ये वाली सीट थी ना, ये भी भाई काफ़ी पीछे कर रखी थी, इस वाली सीट तो मतलब ठीक ठाक सी पीछे थी, तो इसके अंदर आप नी रूम देख रहे हो ठीक मिल जाता है, लेग रूम भी भाई ठीक मिल जाता है, बट जो अंडर थाई स्पोर्ट है ना वो ठीक नहीं मिलती है। ठीक बताए किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप एक 7 सीटर गाड़ी या फिर 6 सीटर गाड़ी लेते हो ना, तो उनके अंदर थर्ड रो भाई सभी के अंदर इतना स्पेस रहता है, तो उनसे कंपेयर करके मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर आप लोग को काफ़ी ठीक सा जो है अवेलेबल हो जाता है। जैसे आप 200-300 किलोमीटर भी इसकी थर्ड में बैठ के जाना चाहते हो ना, तो भाई काफी कंफर्टेबल होकर बैठ के जा सकते हो। एयर फ्लो भाई सीधा मुंह पे लगेगी, तो कूलिंग भी एक नंबर की बनी रहेगी। पीछे ना कोई फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है, सिर्फ 2 ग्लास होल्डर दे रखे हैं, 12 वोल्ट का शॉक किट, और जो है यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 2 3-point seat belt जो है गाड़ी में अवेलेबल हो जाती है। और कैप्टन टाइप सीट का पता है फायदा क्या है, एक पैर भाई आराम से यूं खोल के बैठ जाओ, एक इस साइड वाला बंदा खोल के बैठ जाएगा, इस साइड वाला बंदा खोल के बैठ जाएगा, तो काफी कंफर्टेबल से बैठ के चला जाएगा। और जो थर्ड रो की सीट है ना, इसकी ऐसी रखी है, जो ये वाली सीट है ना इससे ऊपर वाली पोजीशन दे रखी है, तो इस वजह से क्या है, जो आगे का व्यू है ना वो भी ठीक ठाक से आ जाता है, तो पीछे बैठेगा ना उसको, तो वो उसको भी ऐसे लगे कि वो बस से में बैठ गया, बीच कुछ हो रही है, तो ठीक सी पोजीशन इसमें रहने वाली है। थर्ड रो में ब्रेजा के अंदर मिल जाता है आप लोग को 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि 102 bhp और 136.8 nm का टॉर्क जो है ये प्रोड्यूस करता है। इसकी माइलेज कंपनी क्लेम करती है 20 kmpl की, 20 पॉइंट समथिंग है। और जो ये XL6 है, इसके अंदर भी बिल्कुल सेम ही इंजन लगा हुआ है, जो कि प्रोड्यूस करता है 102 bhp और 137 nm का टॉर्क जो है ये प्रोड्यूस करता है। 0.02 nm का टॉर्क का जो है इनमें डिफरेंस देखने को मिलेगा, इंजन दोनों गाड़ियों में सेम। तो गाइस यही सब कुछ था आज की इस वीडियो में। अगर आप मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी परचेज करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे आ रहे होंगे, कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ वीडियो कहीं पे एंड करते हैं, टेक केयर बाय, थैंक यू सो मच।